नेक्स्ट अब मैं यूनिट वन का ही पार्ट पढ़ा रही हूँ फिर से। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि अभी तुमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वेवफॉर्म सिंथेसिस, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास वेवफॉर्म है और वेवफॉर्म से हमने इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करा, राइट। अब हम इससे अपोजिट पढ़ेंगे। पेपर में तुम्हें क्या दे देंगे, ये इक्वेशन के फॉर्म में दे देंगे और इक्वेशन से तुम्हें किस में कन्वर्ट करना होगा, वेवफॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, राइट। अब उसके लिए पहले तुम्हें तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी सिग्नल की। फर्स्ट इज़ टाइम शिफ्टिंग, तुमने शायद सुना भी वो होगा। एक होती है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग, एक होती है हमारे पास टाइम स्केलिंग और एक होती है हमारे पास टाइम रिवर्सल। ये तीन मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लाइक 90% चांस है कि तुम्हारे पेपर में आएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम शिफ्टिंग के बारे में। तुमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास एक होता है स्टेप फंक्शन, राइट। स्टेप फंक्शन, जैसे ये हमारे पास स्टेप फंक्शन है, इसमें पर्टिकुलर टी इक्वल टू ज़ीरो पे आउटपुट आ रही है और उसके बाद भी आउटपुट कांस्टेंट रह रही है। अब मैं तुम्हें कह दूँ कि इसको तुम्हें, इस सिग्नल को तुम्हें शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करोगे तो तुम कहाँ शिफ्ट कर सकते हो, या तो आगे की साइड शिफ्ट कर सकते हो या फिर पीछे की साइड शिफ्ट कर सकते हो। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसको 1 सेकेंड डिले करना है, ठीक है। तो 1 सेकेंड डिले करोगे तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा सिग्नल हो गया, डिलेड सिग्नल। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ मैंने तुम्हें आज एक होमवर्क दिया क्वेश्चन में और तुम, मैंने कहा कि आज एक होमवर्क में क्वेश्चन करके आना है, बट तुमने क्या कर दिया, डिले कर दिया। डिले मतलब उसको आगे शिफ्ट कर दिया कि तुम आज नहीं करके लाए वो क्वेश्चन, तुम कल करके ले आए, तो वो कौन सा सिग्नल हो गया, डिले सिग्नल हो गया। अगर तुम एक दिन डिले कर रहे हो तो वो एक दिन बाद तुम आउटपुट दोगे, 2 दिन डिले कर रहे हो तो 2 दिन बाद तुम आउटपुट दोगे, तो ये उसके अकॉर्डिंग होता है। याद हो तो मैंने तुम्हें बताया भी था कि अगर हम पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव। जैसे अब तुम एक दिन बाद मुझे लेट दे रहे हो, उसको तुम ऐसे याद कर सकते हो कि एक दिन बाद तुम मुझे दे रहे हो, तो क्या हो गया, तुम्हारा नेगेटिव इम्प्रेशन हो गया, राइट। और अगर तुम एक दिन मुझे पहले दे रहे हो तो वो उसके लिए क्या होएगा, वो कौन सा सिग्नल हो गया, एडवांस सिग्नल हो गया, क्योंकि तुम उस मुझे ऑलरेडी मतलब टाइम से पहले सबमिट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, -1, ये इस तरह से। तो ये क्या हो गया, u(t+1)। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने क्या करा, ये हमारे पास कोई भी सिग्नल था उसको हमने टाइम शिफ्ट कर दिया, 1 सेकेंड बाद शिफ्ट करा तो ये ग्राफ बनेगा, 1 सेकेंड पहले शिफ्ट करा तो ये ग्राफ बनेगा। पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करते तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है। अगर हम डिले कर रहे हैं तो वो डिलेड सिग्नल कहलाएगा और अगर हम एडवांस में कर रहे हैं तो वो हमारा एडवांस सिग्नल कहलाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में क्या होता है, लाइक सपोज हमारे पास कोई भी एक, मैं रैंडमली ग्राफ ले रही हूँ, हमारे पास ये ग्राफ है, ये -1, 0, 1, यहाँ पे हमारे पास क्या फंक्शन है, x(t) और ये क्या है, हमारे पास t है, राइट। इसको हम टाइम स्केल कर रहे हैं, या तो हमारे पास x(2t) का ग्राफ बनेगा, मतलब टाइम को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, या फिर हमारे पास x(1/2t) का ग्राफ बनेगा, इसमें हमने टाइम को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, क्लियर। या तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली उसको ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया 2 का, ज़रूरी नहीं है 2 ही हो, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, या फिर 3 टाइम कम भी हो सकता है। तो अब पेपर में तुम्हें क्या दे देंगे, तुम्हें ये ग्राफ दे दिया x(t), उससे तुम्हें कन्वर्ट करना है x(2t) या फिर x(1t)। वो देखो कैसे करेंगे। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा टाइम डबल हो रहा है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा, ये 1 है, यहाँ पे इसका पॉइंट कहाँ पे है, 1 पे है, 1 का हाफ कितना हो गया, 0.5, यहाँ पे भी 1 है तो 1 का हाफ कितना हो गया, 0.5, तो तुम्हारा ग्राफ क्या हो गया, बिल्कुल कंप्रेस हो गया। अब देखो ये कैसे आया, मैंने कैसे किया, ये लॉजिक कैसे आया है, ये समझ लो एक बार। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे टी की वैल्यू -1 है, राइट, और यहाँ पे हमारे पास 2t की वैल्यू, मतलब पहले कितना टाइम था, t टाइम था, अब कितना टाइम, टाइम को मैंने डबल कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 2t = -1, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2, दैट इज़ -0.5। तो जो वैल्यू यहाँ पे -1 पे है वही सेम वैल्यू यहाँ पे किस पे आ जाएगी,
माइनस 0.5 पे। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम कितना है, 1 है, और यहाँ पे हमने टाइम को चेंज कर दिया, कितना कर दिया, 2t कर दिया, तो 2t इज़ इक्वल टू 1, तो t कितना हो गया, 1/2, दैट इज़ 0.5। क्लियर। अब इसके बाद इसमें देखो हमने क्या करा है, ये ग्राफ पहले ऐसे था और ये कम हो गया, तो इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज कंप्रेशन। अब इसके बाद इस वाले ग्राफ पे आते हैं, पहले टाइम क्या था, टी इज़ इक्वल टू 1 था, अब तुमने टाइम को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, राइट, तो 1/2t इज़ इक्वल टू 1, तो t कितना हो गया, 2 हो गया। तो जो पहले तुम्हारा ग्राफ माइनस 1 पे आ रहा था, वो अब तुम्हारा ग्राफ किस पे आएगा, माइनस 2 पे आएगा, राइट। अब इसी तरह इस पे आ जाओ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट किस पे है, प्लस 1 पे, टाइम हाफ हो गया, तो 1/2t इज़ इक्वल टू 1, तो t कितना हो गया, दैट विल बी प्लस 2, तो ये वाला पॉइंट किस पे आएगा, प्लस 2 पे आएगा। ये ग्राफ तुम्हारा इस तरह से बन जाएगा। तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। तो तुम्हें इतना डीप में याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, अदरवाइज समझ में नहीं आता। तुम्हें बस ऐसे याद कर लो, शिफ्ट करना है तो पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करना है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइड पे शिफ्ट करना है तो पॉजिटिव आएगा। टाइम स्केलिंग में अगर हम टाइम को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा कम हो जाएगा, और अगर हम टाइम को हाफ कर रहे हैं तो ग्राफ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट इन द सेंस कि अगर तुम्हारे पास ये ग्राफ है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, और ये 2 पे है, और ये किस पे है, 1 पे। ये सपोज मेरे पास है एक्स ऑफ टी, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसमें तुम्हें क्या बनाना है, एक्स ऑफ माइनस टी, तो एक्स ऑफ माइनस टी कैसे बनाओगे, माइनस है ये, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करिए हमने, टाइम रिवर्सल। तो एज इट इज़ तुम्हारा ग्राफ उठ के नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जो 0 पे है वो 0 पे रहेगा, जो 1 पे पॉइंट है वो माइनस 1 पे हो जाएगा, और जो 2 पे है वो किस पे हो जाएगा, माइनस 2 पे हो जाएगा। तो पेपर में तुमसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं पूछते, ये लोग कंबाइन करके पूछते हैं, कंबाइन इन द सेंस, वो मैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। अब सपोज हमें दिया हुआ है एक्स ऑफ टी, ये हमें ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है मान लेते हैं, और हमसे इन्होंने क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है हमें कौन सा फंक्शन निकालना है, एक्स ऑफ माइनस 2t माइनस 1। ओके, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी हमें दिया हुआ है, एक्स ऑफ टी माइनस 1 कर लेते हैं, एक्स ऑफ टी से हम क्या कर लेते हैं, एक्स ऑफ टी माइनस 1। ठीक है, अब टी माइनस 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास टाइम स्केलिंग हो जाएगा, करेक्ट। मैं करके दिखाती हूँ, ये हमें दिया हुआ है एक्स ऑफ टी, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स ऑफ टी माइनस 1। अब माइनस 1 है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, टी से टी माइनस 1 पे टाइम को शिफ्ट कर रहे हैं, कौन से साइड शिफ्ट कर रहे हैं, नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमें कौन से साइड पे शिफ्ट करना है, पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करना है, तो 1 टाइम से शिफ्ट करना है। तो देखो हम कैसे करते हैं, एक एक टर्म उठाओ, माइनस 1 में प्लस 1 ऐड कर दो, जैसे कि मैंने बताया कि उल्टा करते हैं कि माइनस 1 है तो पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करना है, तो माइनस 1 पे प्लस 1 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 0, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ गया, 0 पे, 0 पे प्लस 1 ऐड कर दो तो 1 हो जाएगा, 1 पे प्लस 1 ऐड कर दो तो 2 हो जाएगा, तो एक यूनिट तुम्हारा ये ग्राफ पूरा शिफ्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स ऑफ टी माइनस 1। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करी है, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स ऑफ 2t माइनस 1, जैसे मैंने बताया ना ये हमें करना है, तो हम उसके बाद क्या कर लेते हैं, 2t बनाना है हमें, और 2t बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि टाइम को हम क्या कर रहे हैं, डबल, तो बेसिकली ग्राफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इस तरह से। तो जो पॉइंट 0 पे है वो तो 0 पे ही रहेगा, जो पॉइंट 1 पे है वो 0.5 पे आ जाएगा, क्योंकि 1 का हाफ 0.5 और 2 का हाफ हमारा 1, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये क्या हो गया, एक्स ऑफ 2t माइनस 1।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस साइन लाना है। तो इसके लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने कौन सी करी थी, स्केलिंग यूज़ करी थी। अब इसके बाद देखो हमारे पास कैसे होएगा, रिवर्सल में तुम्हें पता है कि पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव साइड पे है तो नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, नेगेटिव साइड पे है तो हमारे पास पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा। कुछ इस तरह का ये ग्राफ बनेगा, ज़ीरो ये माइनस 0.5, जो प्लस पे है वो माइनस पे, यहाँ पे भी प्लस पे है वो माइनस पे। तो तुम्हारे पास फाइनली आ गया एक्स ऑफ माइनस 2t माइनस 1। तो ये तुम्हें कोई भी टाइप का दे सकते हैं, लाइक जो ये मैंने बताया ये तुम्हारा होता है कॉन्टीन्यूअस टाइम का सिग्नल, कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल। इसी तरह इसमें हमारे पास आ जाता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये है देखो हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक होता है कॉन्टीन्यूअस टाइम, इसमें जो आउटपुट होती है वो कॉन्टीन्यूअस होती है, लाइक हर एक इंस्टेंट पे हम आउटपुट बता सकते हैं। डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही हमारे पास आउटपुट होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 0.5 पे क्या आउटपुट है तो तुम मुझे नहीं बता सकते, कि तुम ये बोलोगे कि मैम हम -1 पे बता सकते हैं, -2 पे बता सकते हैं, -3 पे बता सकते हैं। ऐसे हम हर एक इंस्टेंट पे आपको आउटपुट नहीं बता सकते, राइट। तो पेपर में हो सकता है तुम्हें 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इस टाइप की वेवफॉर्म दे दें और उससे वो तुम्हें बोलें कि तुम्हें क्या बनाना है, एक्स ऑफ माइनस एन। तो तुम्हें पता है माइनस एन में क्या होगा, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, टाइम रिवर्सल वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। इसमें जो भी चीज़ राइट हैंड साइड पर है वो सारी चीज़ कहाँ पर आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर है वो कहाँ पर आ जाएगी, राइट हैंड साइड पर, ठीक है। इसके बाद वो डायरेक्ट बोल सकते हैं मैक्स ऑफ माइनस एन प्लस 2 बनाओ। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, एक्स ऑफ एन से पहले तुम्हें एक्स ऑफ माइनस एन में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद प्लस 2 मतलब तुम्हें टाइम शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। तो शिफ्ट कर रहे हो बेसिकली, तुम पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट कर रहे हो तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड पर। जो चीज़ यहाँ पे माइनस वन पे है वो कहाँ पे आ जाएगी, माइनस 3 पे। इसी तरह जो चीज़ माइनस 3 पे है वो कहाँ पे आ जाएगी, माइनस 5 पे। वो तुम करके देख लेना, या फिर अगर वो तुमसे पूछ रहे हैं एक्स ऑफ एन प्लस 2 तो पहले क्या बनाओगे, एक्स ऑफ एन ऑलरेडी बना हुआ है, एक्स ऑफ एन प्लस 2 पे। तो पॉजिटिव साइड की जगह तुम्हें अगेन कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव साइड पे। तो ये वाला मैं करके दिखा देती हूँ कि एक्स ऑफ एन ऑलरेडी है हमारे पास और हमें कितना यूनिट शिफ्ट करना है, 2 यूनिट शिफ्ट करना है। तो जो चीज़ ग्राफ देखो तुम्हारा एग्जैक्टली यही बनेगा, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ माइनस 3 पे है वो कहाँ पे आ जाएगी, माइनस 5 पे। उसमें बस 2-2 ऐड कर दो, जैसे लाइक माइनस 2 पे है तो वो कहाँ पे आ जाएगी, माइनस 4 पे। माइनस 1 वाली कहाँ पे आ जाएगी, माइनस 3 पे। जो 1 वाली है वो कहाँ पे आ जाएगी, माइनस 2 पे, राइट। और नहीं सॉरी, जो 0 वाली है वो कहाँ पे आ जाएगी, माइनस 2 पे। 1 वाली कहाँ पे आ जाएगी, माइनस 1 पे। 2 वाली कहाँ पे आ जाएगी, 0 पे। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। और 3 वाली कहाँ पे आ जाएगी, 1 पे। 3 पे कुछ भी नहीं है तो 1 पे भी ब्लैंक हो जाएगा। 4 वाली कहाँ पे आ जाएगी, 2 पे, इस तरह से। तो तुम देख सकते हो ग्राफ की शेप सेम होनी चाहिए, 4, 3 में कुछ भी नहीं है, 2 ये नीचे हो गया, 1 देन ये दोनों सेम, ये इस तरह से। ये एक्स ऑफ एन है तो ये कितना बन गया, एक्स ऑफ एन प्लस 2। तो इसी तरह ये तुमसे क्या पूछ सकते हैं, एक्स ऑफ 2n प्लस 2 भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स ऑफ एन को एक्स ऑफ 2n में कन्वर्ट कर दो। 2n पता है ना तुम क्या कर रहे हो, उसमें टाइम स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, टाइम को डबल कर रहे हो तो वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, राइट। फिर उसमें टाइम शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दो। इसी तरह ये तुमसे पूछ सकते हैं एक्स ऑफ माइनस एन माइनस 1, तो एक्स ऑफ एन से पहले तुम्हें एक्स ऑफ माइनस एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर 1 पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये तुमसे ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैंने तुम्हें जस्ट एक एग्जाम्पल बताया। नेक्स्ट देखो, अगर सपोज़ इन्होंने हमें कोई भी इक्वेशन दे दी, नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये, मैं एक ही वीडियो में तुम्हें सारे कैटेगरी के क्वेश्चन करवा रही हूँ सो दैट तुम्हारा टाइम बच जाए। लाइक सपोज़ हमें इन्होंने दे दिया x1 ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t प्लस 2, इसका तुम्हें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, वेवफॉर्म बनानी है।
तो तुम्हें पता है एक चीज़ कि अगर हमारे पास u ऑफ t है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, स्टेप फंक्शन होगा। अगर u ऑफ t है तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, इस तरह से आएगी, राइट। अब हमें u ऑफ t से u ऑफ t प्लस 2 बनाना है, तो पॉजिटिव साइड है तो हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जो चीज़ पहले तुम्हारी t इक्वल टू 0 से शुरू हो रही थी, अब वो चीज़ कहाँ से शुरू हो जाएगी, t इक्वल टू माइनस 2 पे। मैंने बताया था पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड शिफ्ट करते हैं, तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या था कि t इक्वल टू 0 के बाद आउटपुट आ रही है अप टू इन्फिनिटी। अब दो साइड, दो यूनिट पहले शिफ्ट हो गई, तो इसका मतलब माइनस 2 से तुम्हारी आउटपुट आ रही है अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह अगर तुम्हें टी यू ऑफ टी माइनस 2 का ग्राफ बोलेंगे तो वो किस तरह से होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करोगे, तो 2 यूनिट के बाद तुम्हारे पास आउटपुट आ रही है अप टू इन्फिनिटी, करेक्ट। अब सपोज तुमसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ये पूछा हुआ है एक्स टू ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 2, यू फंक्शन है, स्टेप फंक्शन है, माइनस 2t प्लस 1। ये तुम्हें इक्वेशन दे दी और इसके तुम्हें क्या बनाना है, वेव फॉर्म बनाना है। तो देखो ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन है तो इसका मतलब u ऑफ t का ग्राफ बनेगा। मैं तो तुम्हें एक एक करके स्टेप बता रही हूँ, तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो u ऑफ t का ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। लाइक ये u ऑफ t है, टाइम शिफ्टिंग के लिए क्या करना है, t प्लस 1, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, u ऑफ t प्लस 1, ठीक है। u ऑफ t प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक यूनिट वो पहले से स्टार्ट होगा, जो यहाँ 0 पे स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ ये माइनस 1 पे स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद हमें तो t प्लस 1 नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, 2t प्लस 1। तो 2 टाइम मतलब हम टाइम को डबल कर रहे हैं, तो टाइम को डबल करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, टाइम स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो u ऑफ 2t प्लस 1 ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, टाइम स्केलिंग। अब टाइम स्केलिंग में क्या होता है कि तुम्हारा टाइम तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कंप्रेस, उल्टा चलता है। इसमें जो चीज़ यहाँ पे माइनस 1 पे है वो चीज़ यहाँ पे किस पे आ जाएगी, माइनस 1/2 पे या 0.5, माइनस 0.5 पे। तो अब तुम्हारा ये ग्राफ हो गया, राइट। अब तुम्हें अगेन ये भी नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, u ऑफ माइनस 2t प्लस 1। तो देखो u ऑफ टी 2t प्लस 1 से हम u ऑफ माइनस 2t प्लस 1 पे हम कैसे आएंगे, लाइक u ऑफ माइनस 2t प्लस 1। तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ टाइम रिवर्सल। तो जो चीज़ यहाँ नेगेटिव पे है वो चीज़ वहाँ पे कहाँ पे हो जाएगी, पॉजिटिव पे हो जाएगी। पूरा ग्राफ उल्टा होएगा, जैसे यहाँ पे ये 1/2 है, ये माइनस 1/2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 से ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये चीज़ ध्यान रखना टाइम रिवर्सल की, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं 1/2 से इधर की तरफ, नहीं, टाइम रिवर्सल में पूरा होता है, जो मिरर इमेज, बेसिकली एक मिरर इमेज टाइप बनती है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। अब नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, देखो अगर सपोज हमें दिया हुआ है x1 ऑफ t इज़ u ऑफ t प्लस 2, और हमें दिया हुआ है x2 ऑफ t इज़ इक्वल टू u ऑफ t माइनस 2, ओके। और हमें क्या करना है, x6 ऑफ t निकालना है, दैट इज़ x1 ऑफ t माइनस x2 ऑफ t। तो हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों में बता देती हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी हमें गिवन होगा उसके लिए हमें वेवफॉर्म बनानी है। लाइक सपोज सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, u ऑफ t प्लस 2 का ग्राफ। तो प्लस 2 है तो अभी अभी मैंने बताया, तो कहाँ पे बनेगा इसका ग्राफ, ऐसे माइनस 2 पे बनेगा। स्टेप फंक्शन है तो इस तरह से बन गया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस 2 पे है तो कहाँ बनेगा, प्लस 2 पे बनेगा, और ऐसे बनेगा। अब हमें फाइनली क्या करना है, इसको हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना ये चीज़, ये क्या है माइनस 2 और ये वाला क्या है प्लस 2। तो हम यहाँ पे दो पॉइंट बना लेते हैं, माइनस 2 और प्लस 2, इसी में चेंजेस होंगे जो होंगे। माइनस 2 पे यहाँ पे तुम्हारी आउटपुट कितनी है, 1, और माइनस 2 पे यहाँ पे तुम्हारी आउटपुट कितनी है, 0, राइट। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, करेक्ट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो माइनस 1 पे कितनी आउटपुट है, 1,
यहाँ पे माइनस वन पे कितनी आउटपुट है, ज़ीरो, तो वन माइनस ज़ीरो इज़ वन, अगेन इस तरह से आ गया। ये सेम चलेगा तब तक जब तक टू ना आ जाए। अब पर्टिकुलर टू पे आते हैं, टू पे हमारे पास कितनी आउटपुट है, वन है, और यहाँ पे भी टू पे कितनी आउटपुट है, वन है, तो वन माइनस वन इज़ ज़ीरो, तो टू तक आएगा, इसके बाद का आगे ग्राफ ज़ीरो हो जाएगा। एक देख लेते हैं, लाइक सपोज़ थ्री पे आउटपुट कितनी है, वन है, यहाँ पे भी थ्री पे आउटपुट कितनी है, वन है, तो वन माइनस वन इज़ ज़ीरो। तो ये बन गया हमारे पास इस इक्वेशन की वेव फॉर्म। जिस तरह ये नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी तरह ऐड भी कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें ऐड का बता रही हूँ, एक्स सेवन ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस टू यू ऑफ टी माइनस वन प्लस यू ऑफ टी माइनस टू। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे वेव फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यू ऑफ टी का बनाना पड़ेगा। यू ऑफ टी का ये होता है वन, राइट। इसके बाद हमें टू ऑफ यू टी माइनस वन का बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट नहीं बना सकते हम। इसके लिए सबसे पहले यू ऑफ टी है, यू ऑफ टी माइनस वन का बनाएंगे, तो ये कहाँ से शिफ्ट होएगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होएगा, माइनस है तो प्लस वन से। तो ये किसका ग्राफ बन गया, यू ऑफ टी माइनस वन का ग्राफ बन गया, करेक्ट। इसमें देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, टू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यू ऑफ टी माइनस टू, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस साइड पे है तो प्लस साइड पे होगा, यहाँ पे ये वन है तो ये कितना होगा, प्लस टू, तो टू के आगे सारी आउटपुट है, ये क्या हो गया, यू ऑफ टी माइनस टू। अब बेसिकली हम इन दोनों को क्या करना है, ऐड ऑन करना है, नहीं ऐड ऑन नहीं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और जो रिज़ल्ट आएगा उसको उसके साथ ऐड करना है। तो फाइनली अगर तुम करोगे, करके देखना, मैं फाइनल आंसर बता रही हूँ, यू विल गेट इट एज इस तरह से आएगा, प्लस वन माइनस वन ज़ीरो वन टू। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ यू ऑफ टी इसका बनाऊँ, तो उसके लिए तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन लिख लो एक बार, अगर हमारे पास स्टेप सिग्नल है और उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, इम्पल्स सिग्नल के। याद हो तो मैंने बताया था इम्पल्स सिग्नल को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ऑफ टी से। स्टेप सिग्नल को हम किससे डिनोट करते हैं, यू ऑफ टी से। इसी तरह अगर हमारे पास रैंप सिग्नल का हमारे पास डेरिवेशन है तो वो किसके इक्वल होता है, स्टेप सिग्नल के इक्वल होता है। इसके पीछे पूरी डेरिवेशन है, डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं करवा रही। या फिर इसका वाइस वर्सा ले लो, वाइस वर्सा इन द सेंस कि अगर मैं इंटीग्रल लूँगी इम्पल्स सिग्नल का, करेक्ट, तो क्या आएगा हमारे पास, स्टेप सिग्नल। और अगर हम इंटीग्रल लेंगे स्टेप सिग्नल का तो हमारे पास क्या आएगा, रैंप सिग्नल। ये इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली ये रिलेशन है रैंप, इम्पल्स और स्टेप के बीच में। एक और लिख लो जो मैंने तुम्हें वेव फॉर्म सिंथेसिस में बताया था, दैट इज़ आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू यू ऑफ टी। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक बहुत सारे टॉपिक्स में एक ही वीडियो में कवर कर लूँ। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स करे थे वो सारे स्टेप पे बेस्ड थे, अब हम करेंगे मेनली रैंप पे बेस्ड, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं। लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक्स वन ऑफ टी दे हैव गिवन आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ टी माइनस वन माइनस यू ऑफ टी माइनस वन। ये तुम्हें इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन से तुम्हें क्या बनाना है, वेव फॉर्म बनाना है। तो वन बाय वन विल स्टार्ट, सबसे पहले हम आर टी की बनाएंगे, रैंप फंक्शन है तो यू नो कि रैंप फंक्शन का कैसे ग्राफ होता है, एक स्लांटिंग लाइन। ये क्या हो गया हमारे पास, आर ऑफ टी। अब इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है, आर ऑफ टी माइनस वन किससे से शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड से शिफ्ट करेंगे, ये बन गया तुम्हारा आर ऑफ टी माइनस वन। इसी तरह अगर हम यू ऑफ टी माइनस वन का करेंगे तो यू ऑफ टी माइनस वन का तो तुमने अभी बहुत से करा ही है, वन साइड से शिफ्ट करना है तो उसका ग्राफ ये बनेगा, ये हो गया यू ऑफ टी माइनस वन। तो पहले इसको इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी चेंजेस होंगे वो वन पे ही होंगे, तो ज़ीरो से वन तक कितना है, स्लांटिंग लाइन है,
भाई कैसे स्लोप है, मान लो के है, के स्लोप है या वन स्लोप है। यहाँ पे स्लोप कुछ भी नहीं है तो वन माइनस ज़ीरो इज़ वन, तो इसका स्लोप इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आगे भी स्लोप है, इसका स्लोप भी के है, वन के बाद अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी वन के बाद अप टू इन्फिनिटी के है, तो के माइनस के इज़ हाउ मच, ज़ीरो, तो इसके आगे स्लोप कितना आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो से वन तक इसका स्लोप वन है, इसका ज़ीरो है, तो वन माइनस ज़ीरो वन, इसका स्लोप के है, इसका स्लोप के है, तो के माइनस के इज़ ज़ीरो। तो ये आ गया हमारे पास आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ टी माइनस वन, करेक्ट। अब इसको हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो फिर से देखते हैं कि आउटपुट बनेगी, सिंपल है, तुम्हें एक एक स्टेप पे आउटपुट लेनी पड़ेगी। ज़ीरो से वन तक इसका स्लोप कितना है, ज़ीरो, ज़ीरो से वन तक इसका स्लोप मान लो के है, तो के माइनस ज़ीरो इज़ के, के आ गया वन तक। अब आगे देखो, वन से आगे इसका स्लोप ये क्या है, वन है, और ये भी क्या है, वन, तो वन माइनस वन इज़ ज़ीरो, तो इसके आउटपुट ये आ गई, आगे सारी ज़ीरो है। ये आ गया तुम्हारे पास एक्स वन ऑफ टी। इस तरह से अब तुम कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। स्टिल मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई डाउट है तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, माय नंबर इज़ 9190342230003, ठीक है, और या फिर मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो।